गुजरात में चली बीजेपी ने बड़ी चाल, चुनावों से पहले लिया बड़ा फैसला। जानिए क्या है बीजेपी का गेम। गुजरात चुनावों का ऐलान चुनाव आयोग कभी भी कर सकता है, लेकिन उससे पहले ही केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा खेल खेल दिया है। दरअसल गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बड़ा दांव चला है। केंद्र ने पड़ोसी देशों से आकर रह रहे अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है। सरकार ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले और वर्तमान में गुजरात के दो जिलों में रह रहे हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को 1955 के तहत भारतीय नागरिकता देने का फैसला लिया है। जानकारी के अनुसार इन जिलों में रहने वाले ऐसे गैर हिंदुओं की संख्या 1 लाख से 1.5 लाख है, जिसका असर गुजरात चुनाव में होगा। फिलहाल गृह मंत्रालय ने दोनों जिलों के जिलाधिकारियों को इस फैसले पर जल्द से जल्द अमल करने के आदेश दे दिए हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री की एक अधिसूचना के अनुसार गुजरात के आनंद और मेहसाणा जिलों में रहने वाला हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को धारा 5 नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6 के तहत और नागरिकता नियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार भारत के नागरिकों के रूप में पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी या उन्हें देश के नागरिक का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अधिसूचना के मुताबिक दोनों जिलों में रहने वाले ऐसे लोगों को नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके बाद जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट इन आवेदनों को स्थापित करेंगे। आवेदन और उस रिपोर्ट को एक साथ केंद्र सरकार के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराएंगे। जांच पड़ताल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कलेक्ट्रेट जिन लोगों के आवेदनों को सही पाएगा उनके लिए पंजीकरण या देशीयकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा। गौरतलब है कि मोदी सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देना चाहती है, जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए थे। जानकारी हो कि गुजरात में कभी भी विधानसभा चुनावों का ऐलान हो सकता है, जिसके चलते सभी राजनीतिक पार्टियां जनता का रुख अपनी ओर रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। पिछले कई सालों से गुजरात में बीजेपी की सरकार है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार का चुनाव त्रिकोणीय हो सकता है, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी ने चुनाव में ताल ठोक दी है। राजनीति के सियानों का मानना है कि इस बार का मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हो सकता है, जो बीजेपी के लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। लेकिन चुनावों से पहले जारी की गई इस अधिसूचना के तहत ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि गुजरात में बीजेपी फिलहाल कोई रिस्क नहीं लेने के मूड में है। ऐसे में इससे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक भी माना जा सकता है।